इस साल 2023 के बिग बॉस ओटीटी पर नजर आने वाले कंटेस्टेंट में एक नाम ऐसे इंसान का भी रहा जिसका टेलीविजन या बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि वो जाने जाते हैं अपनी वीडियोस के कारण, जिन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर अपनी पहचान सोशल मीडिया पर बनाई है, जो है अभिषेक मल्लान, एके फुकरा इंसान। अभिषेक मल्लान को शायद ही कोई होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हो और अभिषेक मल्लान के वीडियो से वाकिफ ना हुआ हो। दिल्ली में ही जन्मे और दिल्ली में ही बड़े हुए अभिषेक मल्लान उर्फ फुकरा इंसान ने बिग बॉस ओटीटी पर पहुंचकर ये साबित कर दिया कि टैलेंट और अपनी मेहनत के दम पर हम कुछ भी पा सकते हैं। दिल्ली के पीतमपुरा में जन्मे 24 मई 1997 को अभिषेक मल्लान ने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब दिल्ली से ही करी है, जहां अपनी स्कूलिंग अभिषेक ने लैंसर कॉन्वेंट से करी है, वहीं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है बीकॉम में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से। अभिषेक मल्लान की फैमिली में काफी ऐसे लोग हैं जो खुद यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, उनकी मदर डिंपल मल्लान, वहीं उनकी सिस्टर प्रेरणा मल्लान जो फैमिली एंड ट्रैवल व्लॉग्स अपलोड करती हैं। उनकी फैमिली में से यूट्यूब पर सबसे पहले अपना करियर बनाने वाले मेंबर थे उनके बड़े भाई निश्चय मल्लान, जिन्हें हम सब ट्रिगर्ड इंसान के नाम से भी जानते हैं, जो अभिषेक मल्लान से 2 साल बड़े हैं। उनके फादर विनय मल्लान एक बिजनेसमैन हैं। अपने फादर की तरह अभिषेक भी बचपन से बिजनेस ही करना चाहते थे, इसलिए अपने कॉलेज के दौरान ही उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में भी कदम रखा और शुरुआत करी अपनी कंपनी मिस्टर बॉन्ड की। अभिषेक मल्लान के भाई निश्चय ने साल 2015 से ही यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी, जिसमें वह रोस्टिंग कंटेंट अपलोड करते थे। इसलिए अभिषेक मल्लान को ये भी कहा जाता है कि वह यूट्यूब पर नेपोटिज्म के शिकार है, लेकिन जैसा कंटेंट निश्चय अपलोड करते हैं ऐसा कंटेंट बनाने के बारे में तो खुद अभिषेक मल्लान कहते हैं कि वह इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं कि वह मजाक में भी किसी को रोस्ट नहीं कर सकते। अभिषेक मल्लान ने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने की करी थी साल 2019 में। अभिषेक ज्यादातर फॉरेन क्रिएटर्स जो रियल लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जो थे ग्वावा जूस एंड मिस्टर बीस्ट, उन्हें देखा करते थे, जिनसे ही इंस्पायर होकर उन्होंने भी शुरुआत करी ऐसे ही रियल लाइफ वीडियोस की, जिसमें उनके कंपैरिजन वीडियोस भी रहे, जैसे 20 रुपीज वाटर बॉटल वर्सेस 600 रुपीज वाटर बॉटल, 40 रुपीज बर्गर वर्सेस 400 रुपीज बर्गर, 200 रुपीज पिज्जा वर्सेस 2000 रुपीज पिज्जा, एंड मिक्सिंग वीडियोस जैसे मिक्सिंग 15 ड्रिंक्स टू मेक अ सुपर ड्रिंक, एंड चैलेंज वीडियोस जैसे स्पाइसियस नूडल्स चैलेंज, मिक्सिंग 20 आइसक्रीम चैलेंज। अपने यूट्यूब के चैनल के साथ साथ अपने शुरुआती दिनों में वह अपनी कंपनी मिस्टर बॉन्ड से भी काफी अच्छी अर्निंग कर रहे थे, लेकिन 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा, उस दौरान सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट डिमांड में था वो था हैंड सैनिटाइजर, जिसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हुए अभिषेक ने भी अपनी कंपनी में सैनिटाइजर बनाने शुरू करे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सैनिटाइजर की प्रोडक्शन के लिए उन्हें लाइसेंस जरूरी होता है, जिसका फल उन्हें ये मिला कि उनकी कंपनी पर पुलिस रेड पड़ी और अभिषेक को जेल भी जाना पड़ा। आज अभिषेक के चैनल पर 66 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभिषेक ने अपनी वीडियोस के साथ साथ अपनी लाइफ से रिलेटेड ऐसे ट्रैक्स भी ऑडियंस को दिए हैं, जैसे बिग लाइफ, फ्लाई हाई, तुम मेरे टू, ड्रीमर, दिन ते रात, अभिषेक ट्रेंडिंग पेज ऑफ द ईयर, परी मैच अवार्ड एंड गोल्ड क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित करे जा चुके हैं। इस साल जब वह बिग बॉस ओटीटी में एंटर हुए तो पहले ही वह कह चुके हैं कि वह एक अच्छे इंसान की तरह बिग बॉस का हिस्सा बनकर रहेंगे। अभिषेक सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर ही आज यहां पर पहुंच सके हैं, जहां एक सोशल मीडिया से जुड़ा इंसान बिग बॉस जैसी जगह बुलाया है, जहां पर हमेशा से टीवी या बॉलीवुड से जुड़े ही लोग आते थे। वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, साथ ही हमें फॉलो भी जरूर करिएगा।